Jongens, welkom bij een gloednieuwe uitzending van Born to be a Star. We zijn vanavond wederom bij u in de huiskamer. En het wordt een super uitzending, want wij hebben een super artiest. Die komt helemaal uit India, uit Mumbai. Laat me alvast dit ervan zeggen. We zijn strakjes al 1 jaar bezig met Born to be a Star. En we hebben artiesten gehad uit Nederland, maar natuurlijk ook onze eigen Surinaamse artiesten. En het is vandaag zo ver gekomen dat wij een artiest hebben helemaal uit India. En laat me ook alvast de heer Dinesh Malhu bedanken van Rani Entertainment, want zonder hem was dit niet mogelijk. We gaan vanavond een gesprek hebben met niemand minder dan Babu Supriyo. We kennen hem allemaal van de Souls Forever series, waardoor hij eigenlijk zijn naam heeft gemaakt in Suriname en in Nederland. En daarna hebben wij hem leren kennen met zijn songs uit Bollywood. Hij vertelt vandaag hoe het allemaal gegaan is voor hem met de Souls Forever en natuurlijk ook in Bollywood. Veel kijkplezier toegewenst en geniet van de uitzending met Babu. Nou, zoals ik het al zei, we hebben in onze uitzending van vandaag in Born to be Star iemand die gewoon 2 vluchten gepakt heeft voordat hij in Suriname is aangekomen. Je ziet hem, Babu Supriyo from India. Babuji, welkom. Thank you so much. Hum aapko sabse pehle swagat karte hain Suriname mein. Thank you so much. Aur uske baad hamare program mein bhi. Thank you so much. Chaliye hum aapse aaj baatein karenge aapke baare mein. Aap India ka rehne wale hain. पर आपकी पैदाइश वैसे इंडिया तो बहुत बड़ा है, बहुत ही स्टेट्स है, तो आपकी पैदाइश कहाँ पर हुई और कब? क्या इंडिया, जैसे आपने सही कहा है, इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है व्हेन इट कम्स टू पॉपुलेशन। तो मैं ईस्टर्न इंडिया से हूँ, कलकत्ता से, जहाँ से आप अगर म्यूज़िक इंडस्ट्री में देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बंगाली है। हाँ जी, मातृभाषा जिसको बोलते हैं, मदर टंग बंगला है। हम कलकत्ता से हैं, या तो हम कलकत्ता से हैं या हम बंगाली है, कहीं और रहते हैं, लेकिन किशोर कुमार से लेके कुमार शानू से लेके बाबुल सुप्रियो से लेके शान से लेके श्रेया घोषाल से लेके सब बंगाली हैं। और हमारे ईस्टर्न इंडिया में एयर में कुछ तो है जो हम लोग सांस लेते हैं, जिससे हमारी आवाज़ जो है वो अच्छी हो जाती है। तो और ऐसे भी गाना गाने की जो क्षमता है, मतलब योर एबिलिटी टू सिंग, इट इज़ अ फ्री गिफ्ट फ्रॉम गॉड। वो हमको विरासत में मिली है, फ्री में मिला है, नेचर से, गॉड से, डेस्टिनी से, जो भी आप कहें। लेकिन मेरा एक लक अच्छा था कि मैं एक संगीतकार के फैमिली से हूँ। मेरे दादाजी मणिकंठ निर्मल चंद्र बराल, NC बराल के नाम से प्रसिद्ध थे, काफ़ी नामचीन म्यूजिक डायरेक्टर थे वो। और उन्होंने बहुत बचपन से, 4-4.5 साल की उम्र से मुझे गाना सिखाना शुरू किया। और मैं ये ज़रूर आपको कह सकता हूँ कि मैं कब से बात कर रहा हूँ, बातें करने लगा हूँ, ये शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन गाना मैं कब से गा रहा हूँ ये मुझे ज़रूर याद है। और वो शायद उस बात करने से पहले ही हुआ हो। अच्छा। और मेरे फैमिली में मेरे दादा, मेरे डैडी, मेरे अंकल, मेरे सारे जो बुआएँ हैं, जो मेरे भाई बहन, सब थोड़ा बहुत गाती हैं। डैडी और अंकल तो खैर बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, बट उन्होंने म्यूज़िक को अपना प्रोफेशन नहीं चुना। बट मैंने रिस्क लिया, मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में मैं नौकरी कर रहा था, मैं सब छोड़ छाड़ के एक दिन सुबह ट्रेन में बैठ के ऐसे ही बॉम्बे आ गया। किसी को नहीं जानता था, बस ये ख्वाब ज़रूर देखता था कि कभी ना कभी अगर मैं अच्छा गाऊँगा तो लोग मुझे जानेंगे, पहचानेंगे। और थैंक गॉड, थैंक नेचर दैट इट हैपेंड। या लोग आपको जानते हैं दुनिया भर में। एंड जैसे कि आपने कहा, तो गाना आपकी ख़ानदानी है, आपने अपने दादा से सीखे है क्लासिकल, है ना? कौन सी घराना? नहीं, देखिए, प्योर क्लासिकल के साथ बॉलीवुड का कोई वो जोड़ नहीं है। उल्टा मैं ये कहूँगा कि मेरे दादाजी मुझे कोई घराना के साथ मुझे जोड़ नहीं दिया, उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। इसका वजह ये है कि उन्होंने मुझे रियाज़ करवाया, जिससे आवाज़ की क्वालिटी अच्छी हो, आवाज़ आपका जो है गली से, रास्ते से, चौराहे से, ऐसे ऐसे करके डॉच करते करते फुटबॉलर की तरह निकल जाए, मैराडोना की तरह जैसे निकल जाए। तो आवाज़ की जो खूबसूरती है, उसके ऊपर रियाज़ करना जो है, वो मेरे दादाजी ने मुझे बहुत बाखूबी सिखाया। और क्लासिकल म्यूज़िक में मेरा कभी इंटरेस्ट था नहीं, कभी था नहीं। और अगर आप सारे सिंगर्स को भी देख लें, जो भी कमर्शियली सक्सेसफुल सिंगर्स हैं, उनका बेस अगर क्लासिकल हो तो इट इज़ अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। तो आई एम अ कमर्शियल सिंगर, मैं जब गाना गाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने अगर कोई खूबसूरत लड़की बैठे है तो उनका दिल मैं जीत लूँ, मैं किसी क्रिटिक के लिए नहीं गाता।
अच्छा, एंड आपने कहा कि बस यू ही आप बैंक में नौकरी करते थे, तो एक रोज़ आपने ट्रेन पकड़े और मुंबई आए, तो वहाँ से आपका सफ़र शुरू हुआ। पर जब आप बम्बई पहुँचे वो कितने कब था, कितने साल पहले? 1993 में मैं बॉम्बे आया, तो 20 साल हो गया। और आने के 3 महीने के अंदर मुझे गलांजी आनंद जी ने अमिताभ बच्चन साहब के वर्ल्ड टूर के लिए चुना। अच्छा। अमेरिका, यूएसए, अमेरिका, कनाडा। और बॉम्बे आया एकदम स्ट्रगलर की तरह, और कैसे भी करके एक दिन फ़ोन नंबर जुगाड़ करके, फ़ोन पे बात करके कल्याण जी भाई के पास पहुंच गया। कल्याण जी आनंद जी जो मशहूर संगीतकार हैं, उनके पास पहुंच के उनको मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने मेरे नाम बहुत जगह पे रिकमेंड किया। और उस वक्त अमिताभ बच्चन का वर्ल्ड टूर के लिए एक नया सिंगर को वो लोग ब्रेक देने वाले थे, तो बहुत सारे सिंगर को पीछे छोड़ के उसके लिए मुझे चुना गया। और 93 में मैं बच्चन साहब के साथ टूर किया अमेरिका। फिर 94 में शाहरुख खान का पहला जो टूर था वर्ल्ड टूर, बाजीगर टूर, उसमें भी मैं रहा था। फिर 95 में अक्षय कुमार का जो वर्ल्ड टूर था, मस्त मस्त टूर जिसका नाम था, अक्षय और रविनाथ थे, उसमें भी मैं था। और उसके बाद 95 के एंड 96 से जो है दुनिया भर में जो सुनने वाले लोग हैं उनसे मुझे प्यार मिलने लगा। हालांकि उस वक्त मेरे खुद के गाने दो ही थे, बट एक अक्षय कुमार के ऊपर था, आज मेरी जिंदगी में पहली पहली बार, एक ये था खिलाड़ियों का, खिलाड़ी पिक्चर में। और दूसरा बपीदा के लिए मैंने गाया था, जिंदगी चार दिन की न रूठो सनम, ये रणबीर कपूर के डैडी के लिए गाया था मैंने, ऋषि कपूर साहब के लिए गाया था। तो ये, लेकिन उस वक्त मेरा नाम नहीं हुआ था, क्योंकि देखिए शुरुआत में क्या होता है, आप एक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरते हैं। जब आपके पास आपके खुद के गाने ना हो तो आप किसी और के गाने गा रहे हैं। अब जब मैं स्टेज पे, समझ लीजिए कॉलेज के टाइम में जब मैं था, तब मैंने वो गाना, मुझे बहुत पसंद था, पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतज़ार। तो जब मैं वो गाना गाता था तो मेरी आवाज़ कहीं ना कहीं उदित जी से मिलती थी। हाँ। और जब मैं बॉम्बे आया और स्ट्रगलिंग शुरू किया, तब कुमार शानू जी बहुत गा रहे थे, तो कुछ ना कहो या सोचेंगे तुम्हें प्यार, कुछ भी गाना हो, तो स्टेज में जब मैं जाता था मेरे पास वो गाने का रिक्वेस्ट आता था। और शानू दा, उदित जी, अभिजीत दा, ये सब मेरे से 12-13-14 साल सीनियर है। तो उसका जो अगला जनरेशन, मैं, सोनू निगम, के शान, हम लोग जो है अगला जनरेशन है, तो हमें इन लोगों से काफ़ी इंस्पिरेशन मिला है। और जब हम स्टेज में जाते थे तो इन गानों को गाने का हमें रिक्वेस्ट आता था। तो 95, 96, 97 उस पीरियड में मैंने बहुत सारे वर्ल्ड टूर्स किया, इंक्लूडिंग सुरीनाम, आशा भोसले जी के साथ और सब आर्टिस्ट के साथ। और उसमें लोग जो है मुझे काफ़ी प्यार दिया। जब मैंने किशोर कुमार के गाने गाए, किशोर कुमार मेरा आइडल रहा है हमेशा। आपने अपने सोल्स फॉरएवर भी काफ़ी सीरीज बनाए हॉलीवुड में, कैसे हुआ? वो कैसे हुआ मुझे मालूम नहीं। देखिए ज़िंदगी में कुछ चीज़ें कैसे होता है, क्यों होता है, ये इसका जवाब जो है आपको सीधा भगवान को जाके पूछना पड़ता है, वेट करना पड़ता है कि जब मैं जाऊं तब मैं पूछूं। तो ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि हॉलैंड में मैं एक शो के लिए आया था 1994 की शुरुआत में, और मुझे अभी भी याद है कि मैंने सिर्फ उस वक़्त, हालांकि उस वक़्त मेरे लिए वो सिर्फ नहीं था, बहुत बड़ा अमाउंट था, लेकिन मैंने 20,000 रुपया लिया था, 20,000 इंडियन रुपीज़। और मुझे लगा कि एक बहुत बड़ा शो करने जा रहा हूँ मैं हॉलैंड में। तो वो शो में लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया। जब पसंद किया तो मेरे दोस्त थे जो मैं, मतलब मुझे कहते हुए भी बहुत दुख हो रहा है, अब कुछ ही दिन पहले ही सुरीनाम में कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई, फारूक असगर अली, जो मेरा बहुत नज़दीक के मित्र हुआ करता था। और फारूक असगर अली का एक भाई था, शिफा असगर अली, जो ये सीडी बनाने का एक शौक उनको था। तो मैं ये कहूँगा कि शिफा में वो फोरसाइट था, या शिफा के अंदर वो पहचानने की वो क्षमता थी, कि जब उसने मेरा शो देखा तो उसने बोला कि उसको ऐसा लगा कि बाबुल सुप्रियो की जो आवाज़ है ये हर तरीके का गाना गा सकता है, सब तरीके के गाने गा सकते हैं। और देखिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैं पिछले 3 साल की बात अगर करूँ, मुझे ऑल इंडिया गीमा अवार्ड से लेके बहुत सारे अवार्ड्स मिले अलग अलग टाइप के गाने गाने। कभी अभी मेरा जो गाना इस वक्त इंडिया में कलकत्ता साइड में नंबर 1 पे चल रहा है, बहुत बिक रहा है सीडीज़, जबकि सीडीज़ बिकते नहीं हैं, उस एल्बम में मैंने फोक सॉन्ग्स गाया है और उसका नाम है व्हाट द फोक। उस एल्बम का नाम है व्हाट द फोक, मैंने बदमाशी करके वो नाम दिया व्हाट द फोक। तो ऐसे शिफा को ऐसा लगा कि अगर मैं अनूप जलोटा की भजन गाऊं, या हरिओम शरण का भजन गाऊं, या मैं किशोर कुमार के गाने गाऊं, या रफ़ी साहब के गाने गाऊं, या शानू दा के गाने गाऊं, या उदित जी का गाऊं, जो भी मैं गाऊं, मेरी आवाज़ जो है लोगों को
अच्छी लगी। हाँ, और आपने बस सभी, मैंने भी सुना आपने अपने तरीके से गाए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप जब मैं गा रहा हूँ होठों से छू लो तुम, तो मैं नहीं गा सकता हूँ जगजीत सिंह की तरह, लेकिन मुझे मालूम था कि देखिए क्या होता है कि जैसे अगर आप फुटबॉल खेलना चाहते हैं, बड़ा प्लेयर बनना चाहते हैं, तो आपको 13-14 साल की उम्र में आपको छोटे छोटे मैचेस खेलने पड़ेंगे, आपको तब जाके कोई जो है फॉरेन कंट्री से कोई रिक्रूटर आएगा, आपको देखेगा, फिर वो आपको लेके जाएगा, स्पॉटर जिसको कहते हैं। तो वैसे उस वक्त मैं एक अनटैप्ड टैलेंट था, आई वॉज मतलब टैलेंट इन द सेंस इन ऑल मॉडेस्टी, बट मैंने मुझे ऐसा लगा कि ये जो गाने मेरे सामने जो रखा गया, मेरे ख्याल से सोल्स फॉरएवर के करीब 30 वॉल्यूम्स निकल चुके हैं और उसमें ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो हमने एड्रेस नहीं किया, सारे गाने। इनफैक्ट अभी भी मैं शायद 8 तारीख को गाने वाला हूँ, मैं भूल ही गया था उसके बारे में, किसी रेडियो स्टेशन ने मुझे याद दिलाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। ज़रा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा गुनगुनाओ, सुनी सी ये दुनिया बड़ी सुनी सी तुझे मिलने से पहले। अब ये गाना मैं 10 साल शायद नहीं गाया हूँ, लेकिन देखिए दिल से निकल गया। तो ऐसे गाने जब मुझे मिलते थे ना, तो मुझे लगता था कि इसमें बाबुल सुप्रियो का एक छाप होना चाहिए, और बहुत अच्छा लगता है कि जब अभी भी वो जो गाने मैं 95, 96, 97 में रिकॉर्ड किया, अब 2013, 15, 16 साल के बाद भी दुकानों में वो सीडी अभी तक सीडी यहाँ पर मिलता है, और वो सभी आपके गाने भी अभी तक रेडियो पर चलता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं रिक्वेस्ट करते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं सुरीनाम का, आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सुरीनाम एक ऐसा देश है, हॉलैंड, या हॉलैंड को सुरीनाम का एक्सटेंशन कहें, या सुरीनाम को हॉलैंड का एक्सटेंशन कहें, या वेस्ट इंडीज़ को आप सुरीनाम का एक हिस्सा कहें, जिस तरीके से भी आप कहें ना कहें, ये बात ज़रूर सच है कि जब भी हम इस दुनिया के इस हिस्से में आते हैं, तब हमें लगता है कि यहाँ पे लोग फिज़िकली डांस के गाने तो करते हैं, डांस तो करते हैं, लेकिन जब ये एक उस वैसी जगह है जहाँ पे आप सोल टू सोल गा सकते हो, जो मेरा एचडी का नाम है, सोल्स फॉरएवर, दिल से गाने, जो रोमांटिक गाने हैं, जो मेलेडियस गाने हैं, सॉफ्ट नंबर्स जो है, वो लोगों को बहुत पसंद है। मैं आपको सच में बताना चाहता हूँ कि सिर्फ 10 दिन पहले अमेरिका में मेरा 21 दिन का 3 वीक्स का टूर ख़त्म हुआ, जहाँ पे हमने शिकागो, बॉस्टन, न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी, कैंसस सिटी, ऐसे बहुत सारे शहरों में परफॉर्म किया। वहाँ से मैं इंडिया वापस गया, और मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा रानी एंटरटेनमेंट और दिनेश मालू और सारे जो स्पॉन्सर्स, सबके नाम मुझे इस वक्त मालूम नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि बिहाइंड द सीन बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, जैसे आप हैं, जिनके वजह से मैं एंथनी नेस्टा हॉल में 8 तारीख शाम को बन ठन के पाउडर लगा के खूबसूरत बनने की कोशिश करके स्टेज में जाऊँगा, ताकि लोगों का दिल जीत पाऊँ। तो वो मुझे 30 घंटा फ्लाई करके हॉलैंड लेके, अपना सुरीनाम लेके आए, जो एक तरह से मुश्किल काम भी है, और दूसरी बात मैं मानता हूँ कि बहुत कॉस्टली भी है, इट्स वेरी कॉस्टली अ टिकट टू ब्रिंग अ पर्सन फ्रॉम इंडिया टू सुरीनाम एंड देन पुट हिम बैक टू इंडिया। तो बस मैं यही चाहूँगा कि सुरीनाम का जो मेलेडियस गाने सुनने वाले जो लोग हैं, वो इस प्रचेष्टा को, इस जो ये जो कोशिश इन्होंने की है, उसको बहुत अच्छी तरीके से इसको रिवॉर्ड करें, ताकि आगे के पीढ़ी के सिंगर्स जो हैं वो भी ऐसा टूर्स कर सके। और एंथनी नेस्टा हॉल हैज़ नेवर डिसअपॉइंटेड मी, जब भी मैंने वहाँ पे गाना गाया, मैं चारों तरफ देखा तो हमेशा मैंने फुल ऑडियंस देखी है। तो 8 तारीख को मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आप सब लोग आएंगे और हम सब मिलके एक बहुत ही मेलेडियस सुरीला और डांस भी होगा उसमें एक शाम को। वो तो होगा जरूर, क्योंकि आपके तो फैन फॉलोइंग जो कि है सुरीनाम में बहुत ही बड़ा है, वो मैं आपसे कह सकती हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा, और जबकि आपने सोल्स फॉर एवर्स की सभी सीरीज बनाए थे, तो यहाँ पर तो आपके बहुत ही चर्चा हुआ था, तो आप पहली बार आए थे यहाँ पर सुरीनाम में, जब आप पहली बार आए थे, आपने हॉलैंड देखे, आपने दिल्ली और बाकी के देश देखे, तो यहाँ पर आकर आपको तभी कैसे लगा? देखिए, तभी भी मुझे जैसा लगा, आज भी मुझे वैसा ही लग रहा है। मुझे ये सुरीनाम बोलिए, वेस्ट इंडीज़ बोलिए, जब भी मैं बाहर देखता हूँ ना, मुझे इंडिया दिखता है। ये थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि कैमरा के पीछे मुझे भूख लगी थी, तो मैं रोटी खा रहा था। अब वो रोटी जो है वो मेरी मम्मी भी बनाती थी, मेरे दादी भी बनाती थी, मेरे नानी भी बनाती थी। तो अब जब मैं सुरीनाम में आया हूँ, मैं एयरपोर्ट में ही बोल दिया दिनेश को कि मुझे कुछ भी बर्गर वर्गर नहीं खाना है, मुझे सुरीनाम का रोटी और चटनी खाना है। और जब मैं शुरुआत में आया था, तब आई वॉज सरप्राइज्ड कि इंडिया से इतने हज़ारों मील दूर
ऐसा एक कंट्री है जहाँ पे आप लोगों के घर में जाएं तो वहाँ पे आपको देव देवी, भले वो देवी माता हो या शिव जी हो या कृष्ण हो, भगवान के तस्वीरें भी दिखाई देती है, आपको इंडियन म्यूज़िक सुनाई देती है, लोग वहाँ पे बैठ के भजन गाते हैं, इंडियन खाना खाते हैं, और हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन भले कोई भी रिलीजन के हो, वो अपने जो जड़ है, जो रूट है यानी कि इंडिया, उसको नहीं भूले हैं। और इंडिया में ऐसे बहुत यंगस्टर्स हैं, लोग हैं जो इंडिया में रहते हुए भी इंडिया को भूल रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है इतने सैकड़ों माइल दूर रह के भी इंडिया को इतना, हमारे चारों तरफ द एयर दैट आई एम ब्रीदिंग, वॉट एवर आई एम सीइंग आउटसाइड, इट मेक्स मी फील लाइक इंडिया, आई फील वेरी कम्फर्टेबल। और मैं थोड़ी देर पहले मेरी बेटी को फ़ोन पे यही बता रहा था कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि यहाँ पे खाने जो है वो भी मुझे रोटी मिल रही है, और रोटी के साथ चटनी भी वो मिल रही है जो मुझे इंडिया की याद दिला रही है। अच्छा। तो ये बड़ा खूबसूरत एक खूबसूरत तीन चार दिन होता है जब भी मैं सुरीनाम आता हूँ, आई डोंट फील आउट ऑफ प्लेस, यानी कि घर से निकलो घर में। यस, और जैसे आप खाना परोसने के पहले, खाना देने से पहले जो है आप कुछ मसाला ऊपर गार्निश करते हैं ना, तो यहाँ का ऑडियंस का जो प्यार है, जो हमेशा सोल्स फॉरएवर, जब मैंने शुरू किया था उस वक्त तो मैं बाबुल सुप्रियो था नहीं, आई वाज जस्ट वन अदर सिंगर जो कुछ नया कुछ करने की कोशिश कर रहा था, ये अलग बात है। उस वक्त तो शिफा को भी मालूम नहीं था, मुझे भी मालूम नहीं था कि इतना बड़ा हिट होगा, लेकिन हमने किया था वो काम, तो उस वक्त भी मुझे ऑडियंस का जो प्यार है वो ऐसे गार्निशिंग जैसे मिला था। अब भी जब मैं आया हूँ तो मुझे एयरपोर्ट में इमिग्रेशन से लेके हर जगह में लोग बोलते हैं कि एक फ़ोटो हो जाए, एक ये हो जाए, तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। और इसलिए देखिए कैमरा के सामने मैं आया हूँ, थोड़ा बहुत मैंने कोशिश किया थोड़ा पाउडर वाउडर लगा के आऊँ ताकि देखने को भी ठीक लगे। जी जी। अच्छा, तो सोल्स फॉरएवर की सीरीज़ के बाद आपके भी काफ़ी कुछ गाने आए हैं बॉलीवुड में इन फिल्म्स, लाइक हम तुम, हंगामा, कहो ना प्यार है, जो काफ़ी हिट हुए, और आपके एक प्राइवेट एल्बम भी निकला था विद आलका जी, खोया खोया चांद। यस, बहुत गाने हैं, यानी कि सॉरी, जब आप फिर से सोल्स फॉरएवर करके वापस गए इंडिया मुंबई, तो आपको कौन सा आपका पहला सॉन्ग था जो हिट हुआ था? देखिए, सोल्स फॉरएवर मैंने एक बार में रिकॉर्ड नहीं किया, सोल्स फॉरएवर जो है मैं कम से कम नहीं तो 7-8 बार हॉलैंड आया हूँ अलग अलग शोज करने के लिए, और शो के बाद जो है मैं रह जाता था, और शिफा जो है और ज्वाला, मेरे ख्याल से ज्वाला जो है उसने अरेंजमेंट किया था, इन दोनों ने मिलके अपने घर के स्टूडियो में जो है मैं 6-7 दिन रह जाता था, और वहाँ पे वो शौरमा किप जिसको आप बोलते हैं चिकन शौरमा, वो मैं खाता था और मैं वो गाने रिकॉर्ड करता था। कई बार मैं आया हूँ, लेकिन एक माइक के सामने आप जितने गाते हो ना, तो माइक के साथ आपकी दोस्ती होती है। अगर आपको एक लड़की को पटाना है, समझ लीजिए मैं अगर हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहूँ, या किसी लड़की का दिल आपको जीतना है, तो यू विल हैव टू गो फॉर डेट्स विद हर, आपको 2 डेट 4 डेट 10 डेट यू विल हैव टू गो टू फॉर डेट्स विद हर एंड वू हर एंड मेक हर अंडरस्टैंड दैट यू नो आई रियली लव यू। माइक जो है वो भी हमारा महबूबा है, आप उनके साथ जितने बार आप उनके साथ आप रिएक्शन इंटरेक्शन करेंगे, जितना आप माइक के सामने गाएंगे वो उतने करीब आएंगे आपके, और एक दिन आपके ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। आप जब मैं हाथ में माइक लेता हूँ, वो मेरे हाथ का एक एक्सटेंशन है, मुझे ये डर नहीं लगता है कि मैं कोई माइक पकड़ाऊँ और यहाँ से मुझे ये परफॉर्मेंस करना है। मुझे लगता है कि अभी जो मैं हूँ, ये मेरे हाथ में माइक नहीं है, लेकिन ये माइक कहीं ना कहीं लगा हुआ है, ऊपर कहीं ना कहीं माइक है, तो जो भी मैं बात कर रहा हूँ ये मेरे साथ माइक की दोस्ती हो चुकी है, तो मेरे आँखों में एक्साइटमेंट है, दिल में जोश है, और मुझे जो है सोल्स फॉरएवर गाते टाइम मुझे अपने, मेरी आवाज़ को लेके मुझे एक्सपेरिमेंट्स करना था, क्योंकि एक बार मैं किशोर कुमार गा रहा हूँ, एक बार यहाँ पे हरिओम शरण गा रहा हूँ, एक बार मैं जगजीत सिंह गा रहा हूँ, यहाँ पंकज उदास गा रहा हूँ, ये दिल में एक लहर सी उठी है गुलाम अली का गज़ल गा रहा हूँ, उधर जैसे मैंने गाया जोएब हसन का वो गा रहा हूँ, तो गुलाबी आँखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, हा हा हा, ये सब ओरिजिनल में नहीं है, और रफ़ी साहब के गाने जो है मैं गाता भी नहीं हूँ, लेकिन उन गानों में मैंने वो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, तो जब मैंने वो कोशिश की तो मैंने उतने सारे डेट जो है माइक के साथ बिताया, तो वो डेट्स जो है मेरा काफ़ी काम आया और वो माइक जो है मेरा महबूबा बन गया। तो जब मैं बॉम्बे वापस, जब बॉम्बे में जब भी मुझे बड़े गाने गाने का मौका मिलता, वो एक्सपीरियंस मुझे काम देता, वो एक्सपीरियंस मेरा काम आता। तो उन दिनों में भले वो आती है तो चल हो, या कहो ना प्यार है हो, या सलमान खान का हटा सावन की घटा हो, या चोरी चोरी चुपके चुपके हो, या परी परी हो, या हम तुम हो,
या तेरा जादू चल गया हो अभिषेक बच्चन का, मैंने सारे हीरोज़ के लिए गाने गाए और सबके लिए हिट गाने गाए। तुषार कपूर उसका पहले उसकी जो पहली मूवी थी मुझे कुछ कहना है, उसमें भी दो गाने बहुत हिट थे, इनफैक्ट हॉलैंड में भी हिट था, जब से देखा है तेरे हाथ का चांद वो गाना था, फिर मैंने कोई जादू नहीं किया तू ही मेरे पीछे आया पिया, करीना कपूर आज भी डांस करती है उस गाने पे। और मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बहुत कम उम्र में 20-21 साल की उम्र में मैंने करियर शुरू की, तो अब मेरी उम्र जो है वो 41-42 है, तो इस उम्र में एक सिंगर जो है ना एक्सपीरियंस से ज़िंदगी को हर तरीके से देखने के बाद एकदम मज़ा हुआ रहता है, मतलब मैं एक्सपीरियंस और गाना गा गा के तैयारी जो है दोनों के पीक में हूँ। तो 2014 में 3-4 बहुत अच्छे गानों की इंतज़ार मैं कर रहा हूँ, कुछ बहुत अच्छे गाने मैंने गाया है वो अभी आने वाले हैं। मैं पहले से कुछ नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि अभी ऐसे बहुत होता है कि नामी सिंगर का गाया हुआ गाना कोई और डब कर देता है तो थोड़ा ख़राब लगता है, तो मैं पहले से कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन 2 हफ्ते पहले जो मेरा सिंगल रिलीज़ हुआ है सोनी म्यूज़िक से खुशामदीद, तो वो गाना जो है अभी हॉलैंड में मैंने भेजा था दिनेश को और सब जगह में बज रहा है, यहाँ पर भी चल रहा है, आप भी उसे बजाइए। आप कितने बार आ चुके हैं सूरीनाम में? मेरे ख्याल से 4-5 बार, इसको लेके तो 5 बार होगा, इसको लेकर 5 बार हो गया, एंड हर एक बार एक अलग एक्सपीरियंस होता है। पर थोड़ा आपकी लाइफ के बारे में हम भी थोड़ा जान लें, आपके फैंस हैं जो भी शायद जानना चाहते हैं, जैसे कि आपने अभी कहे आपकी एक बेटी है। हाँ, मेरी बेटी है, वो 14 साल की इस वक्त है वो भी, और हर हर गाना बहुत गाती है, वो बहुत म्यूजिक से ओरिएंटेड है, और वो टेलर स्विफ्ट ब्रिटनी स्पियर्स इनके गाने गाते हैं, बॉलीवुड के गाने भी गाती है, और मेरा जो आमिर खान के साथ जो मैंने गाया, आमिर खान के साथ जो मेरा हिट है फना चंदा चमके चम चम जो बच्चों का गाना है, वो हमेशा वो स्टेज में मेरे साथ गाती है। और लेकिन क्या है, अब वो क्लास 9 में पढ़ती है तो उनका डेट मिलना मेरे से ज़्यादा मुश्किल है, तो मैं कभी कभी उनकी छुट्टियाँ होती है तो मैं मेरे साथ उसको लेके जाता हूँ, तो शोज़ में वो मेरे साथ वो गाने गाती है। बट उसके अलावा जो है मेरे हिसाब से मैं मेरी बेटी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर क्रिएट नहीं किया हूँ, ज़िंदगी जो है अपनी पटरी पे चल रही है, वो टेनिस भी सीख रही है, पियानो भी सीख रही है, डांसिंग भी सीख रही है, गाना भी सीख रही है, स्विमिंग भी सीख रही है, तो हॉर्स राइडिंग भी सीख रही है, तो अब शी इज़ एट दी एज ऑफ 14, जब वो 17-18 साल की होगी तो उनको जो है अपनी ज़िंदगी की रास्ते जो है वो अपने आप दिख जाएगा, और जो भी रास्ते से वो चलेगी भले वो म्यूज़िक अगर ना भी हो तो भी मैं एज अ डैडी मैं उसे सपोर्ट करूँगा। तो मेरी पढ़ाई जब ख़त्म हुई, मैं एक नॉर्मल एक यंगस्टर जैसा करेगा, पढ़ाई ख़त्म होने के बाद मुझे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जैसे बैंक में नौकरी मिल गई, और जब मैं नौकरी कर रहा था वहाँ पे तो मेरे डैडी मम्मी से लेके मेरे रिश्तेदार मेरे दोस्त सबको ये लगा था कि बाबुल सुप्रियो की ज़िंदगी जो है वो एक पटरी पे आ गई है और ये बहुत खुश हैं, इसकी तो लाइफ सेट हो गई। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे सिवा मेरे अलावा और बाकी सारे लोग खुश हैं, सिर्फ मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं वो बैंक में बैठ के दूसरे का पैसा मैं गिनना नहीं चाह रहा था। मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि गाना गाने की क्षमता जो है द एबिलिटी टू सिंग इज समथिंग दैट यू गेट एज अ फ्री गिफ्ट फ्रॉम गॉड, भगवान से आपको फ्री गिफ्ट के तरह मिल चुका है। अगर वो गिफ्ट मेरे जगह किसी और को दिया होता, राम श्याम को दिया होता, तो वो बाबुल सुप्रियो बन गया होता, तो वो गिफ्ट मुझे फ्री में मिला है, तो मेरा एक दायित्व बनता है, मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि क्या मैं उस गिफ्ट को थोड़ा और आगे लेके जा सकूँ, क्या मैं उसको लेके लोगों तक जा सकूँ, और एकदम शुद्ध हिंदी में कहूँ मुझे स्टार बनना था और मुझे उसके पीछा करना था। अगर नहीं होता, नहीं होता, ऐसा कौन सा नियम किसने लिख दिया था कि बाबुल सुप्रियो अगर नौकरी छोड़ के बॉम्बे जाएगा तो वो बॉलीवुड में बहुत बड़ा सिंगर बनेगा और फिर 2013 में सूरीनाम में आके गाना गाएगा, ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं था। तो मैंने ज़िंदगी को चैलेंज दिया, और जब आप ज़िंदगी को चैलेंज देते हैं तो कई बार ज़िंदगी आपको खूबसूरत चीज़ों से आपको गिफ्ट करते हैं, आपको सरप्राइज करते हैं। तो आई एम हैप्पी दैट आई टुक दैट स्टेप, आई लेफ्ट एवरीथिंग, रैन अवे टू बॉम्बे। मुझे बॉम्बे में किसी से पहचान नहीं थी, किसी को भी नहीं जानता था मैं, लेकिन मैं खुद को जानता था, मुझे मालूम था कि मुझे क्या करना है, और मैं उस ख्वाब का पीछा करता गया। और आने वाले लोगों को जो इतने रियलिटी शोज़ आप टीवी में देखते होंगे, इतने यंगस्टर्स गाते हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि बस जो है अपने ख्वाबों का पीछा करो, और अगर हार्ड वर्क और अच्छा गाना गाने की क्षमता ये दोनों चीज़ का मेल अगर हो जाए तो लक इज़ वॉट इज़ गोइंग टू हैपन when opportunity is going to meet your preparation. तो preparation मत छोड़िए, रियाज मत छोड़िए, मेहनत करते रहिए। आजकल
बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, मेलेडाइन एंथ्रेस, उसकी वजह से लोगों को सुर में गाने की ज़रूरत नहीं है, आप कंप्यूटर में सब कुछ कर सकते हैं, ये आपको भी मालूम है। लेकिन ऐसे बहुत सिंगर्स हैं हमारे चारों तरफ जो बहुत फेमस सिंगर्स हैं, लेकिन अच्छे सिंगर्स नहीं हैं, सिंगर्स भी नहीं हैं, ऐसे बहुत हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो मैं यंगस्टर्स को यही कहूँगा कि अगर आप फेमस सिंगर होने के साथ साथ एक अच्छे सिंगर भी कहलाए जाते हो तो उसमें बहुत गर्व है, बहुत अच्छा लगता है। तो फेमस बनो, अगर आपको जब आपको फेमस बनना है आप उम्मीद करते हो, उसके पहले अगर आप फेमस बन जाते हो तो उस फेमस होने का मज़ा लो, पैसे कमाओ, अच्छी गाड़ी खरीदो, अच्छे घर पे रहो, लेकिन उसके साथ साथ अच्छा सिंगर बनने का भी एक ख्वाब जो है वो हमेशा आपका पीछा करना चाहिए। बिकॉज आई थिंक दैट एट द एज ऑफ 41 द बेस्ट ऑफ बाबुल सुप्रियो इज स्टिल अहेड ऑफ मी। मैं इधर हूँ और बाबुल सुप्रियो का जो बेस्ट है वो उधर है। तो अभी तक मुझे दिल्ली जो है दिख रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा मुझे रास्ता जाना है। और ऐसे ही आप लोग साथ में रहेंगे, ऐसे ही अलग अलग देशों में जाऊंगा, गाने सुनाऊंगा, प्यार मिलेगा, कुछ अच्छा करूंगा, कुछ बुरा करूंगा, लेकिन उम्मीद है कि ज़िंदगी के लिए जो सपने मैंने देखा है, इट्स वन लाइफ ओनली वन चांस, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रीच दैट। थैंक यू फॉर द टाइम। और वैसे भी सभी अच्छी अच्छी बातें जो आपने बताए उसके वास्ते भी थैंक यू। एंड आखिरी में मेरा भी एक गुजारिश है, आपके एक गाना है जो मुझे काफी पसंद है। एंड पता है कि अब एक चीज बताइए, सिर्फ एक ही गाना है जो आपको नहीं, बहुत पसंद है? सभी पर ऐसा होता है ना कि एक गाना है जो तुम्हें बहुत ही पसंद आता है, तो इट्स खोया खोया चांद। तो अगर उसका एक लाइन हो जाए फॉर मी एंड ऑल्सो फॉर द फैंस। खोया खोया चांद रहता है आसमां के पास, खोए खोए हम भी रहते हैं इस जहां के पास। खोया खोया चांद रहता है आसमां के पास, खोए खोए हम भी रहते हैं इस जहां के पास। कह दो ना, कह दो ना, कह दो ना प्यार है, कह दो ना, कह दो ना, कह दो ना प्यार है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच नाउ। और बहुत अच्छा लगा बहुत दिन बाद किसी के साथ हिंदी में बात करते हुए। बदाम फुरुत वेला कैक एंड एक वेल नतुलट हेयर स्पेशल द दिनेश मालहू bedanken, want het is Rani Entertainment in samenwerking met Hotel De Luifel die het zover heeft gekregen dat we in Suriname helemaal... We zijn niet naar India geweest, hoor. Oké. Okay. We hebben Babu Supriyo gewoon in Suriname geïnterviewd. En het was een eer, want we hebben artiesten gehad uit Suriname en natuurlijk ook artiesten uit Nederland. En ik zeg het nog eens een keer, het is een hele grote eer om een artiest, zo'n grote artiest in ons programma te hebben. Heb je wat informatie, wil je wat weten, wil je wat delen met ons? Vergeet niet onze Facebookpagina te liken. En voor informatie kan je natuurlijk altijd bellen naar 86-23-642. Bedankt, mijn naam is Ashna en ook namens Ajay en Vijay de groeten. एक छोटा सा रिक्वेस्ट मेरा आपकी तरफ जी, इतने जो देर तक आपने डच में बात की है, मैं डच फुटबॉल बहुत पसंद करता हूँ, भले वो बहुत पुराने रूट खुलिट क्यों ना हो, इंडिया का जो नेशनल फुटबॉल टीम है उसका जर्सी मैंने खुद मैंने डिज़ाइन किया और रूट गुलिट इंडिया आया था वो जर्सी रिलीज़ करने के लिए, मैं आपको चाहूँ तो वो फोटोग्राफ दिखा सकता हूँ। और फ्रॉम रूट गुलिट टू वैन रूट वैन नेस्टल रॉय टू स्नाइडर टू अर्जुन रॉबिन, सबको मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन डच फुटबॉल मुझे बहुत पसंद है, डच भाषा मुझे बहुत नहीं आती है। तो इतनी देर तक जो आपने डच में बात आपने कही है उसका थोड़ा सा हिस्सा आप हिंदी में कह दीजिए, वो मेरे लिए अच्छा हुआ। जैसे आपने मुझे गाना गाने के लिए कहा है, वैसा उतना मैं हिंदी में सुनना चाहता हूँ, थोड़ा उसमें से एक थोड़ा पोर्शन ट्रांसलेट करके हिंदी में बता। बस मैं आपको ही बता देती हूँ, बता दें, बस मैंने कहा कि बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमने आपने शोर कहा ना, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हमने बहुत आर्टिस्ट हमारे प्रोग्राम में लाए हैं, सुरीनाम का भी, हॉलैंड का भी, और आप पहला है जो इंडिया से हमारे प्रोग्राम में है। That's very nice. Thank you so much. And what did you say? Danke. Thank you so much. Take care. Thank you.